एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो टाइटल से देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। सो बेसिकली आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना किचन टूर। मैंने अपना जो एम्प्टी किचन टूर है वो भी शेयर किया है और इसको बनाने के पीछे के जो थॉट प्रोसेस है वो भी मैंने काफ़ी सारा आप लोगों के साथ में शेयर किया है। उस वीडियो में भी काफ़ी सारे क्वेरी रिलेटेड क्वेश्चन थे जो मैं अभी बताते बताते जब मैं टूर देती जाऊंगी तो आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सो दिस वीडियो विल गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्गर। ये ऐसे नॉर्मल टूर नहीं रहेगा, मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको शो भी करूंगी कि मैंने कहाँ कैसा क्या ऑर्गेनाइज किया हुआ है ऑब्वियसली। सो ये जो किचन है ये एग्जैक्टली जैसा मैं चाह रही थी वैसा टर्न आउट नहीं हुआ है ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जो मेरे घर पर हुए थे उसकी तो वहाँ पर मुझे जाना पड़ा। तो अभी भी इतना किचन हो चुका है कि इट्स क्वाइट फंक्शनल, हम 2 महीने से यूज कर ही रहे हैं। आगे जो भी मैं चेंजेस करूंगी वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर कर ही दूंगी, अपडेटेड टूर वगैरह आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि किचन एक्चुअली में कैसा दिखता था, अब वो टूर देख लीजिए। सो दिस इज़ द ओल्ड किचन जो बिल्डर की तरफ से हम लोगों को प्रोवाइड किया गया था। इस तरीके की इसमें टाइल्स लगी हुई थी एंड साथ में ग्रेनाइट लगा हुआ था ब्लैक कलर का। और यहाँ पर जो आप नीचे इसमें काम देख रहे हैं, वुडवर्क जो देख रहे हैं, ये हम लोगों ने बेसिक जो थोड़ा मॉड्यूलर होता है, सेमी मॉड्यूलर जिसको आप बोल सकते हो, वो हम लोगों ने काम ऑलरेडी करवाया हुआ था। और क्योंकि उसके बाद हम हमारे होम टाउन चले गए थे, यहाँ पर फ्रिज रखने का एरिया है तो बिल्डर ने काफ़ी ज़्यादा टाइल्स लगाई थी काफ़ी सारे एरिया में, तो हमको ये टाइल्स वगैरह चेंज करवानी थी ऑब्वियसली। सो इस तरीके का कुछ लुक आता है जो हमारा प्रीवियस किचन था उसका। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली में ये चेंज होने के बाद आफ्टर मेकओवर अब ये कैसा लगने लगा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ बेसिक चेंजेस करवाए हैं, जैसे कि ये जो टाइल्स आपको दिख रही है यहाँ पर पीछे, ये पुरानी जो टाइल्स थी वो हमको पसंद नहीं थी तो हम लोगों ने इसमें टाइल चेंज करवाया है। एंड साथ में ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का ग्रेनाइट था, हम लोगों ने इसको G5 प्लेटफॉर्म में चेंज किया है। तो लास्ट वीडियो में मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि आपने G5 क्यों लगवाया है, बिकॉज दिस इज अ वाइट प्लेटफॉर्म। तो बहुत लोग की मेंटेलिटी होती है कि अरे वाइट है गंदा जल्दी होगा, आपको मेंटेन ज़्यादा करना पड़ेगा, स्टेन्स है तो स्टेन लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं पिछले 3 मंथ्स हो गए मुझे ये बना किचन बने हुए, तो जब हम लोगों ने हमको ये लगवाना भी था ना तो हम G5 का एक छोटा सा स्क्वायर शेप में सैंपल भोपाल लेकर के गए थे एंड फॉर 48 आवर्स के लिए मैंने उसमें हल्दी, जो पकी हुई हल्दी होती है जैसे अपन सब्जी बनाते हैं ना तो सब्जी में जो तेल के साथ हल्दी को भूनते हैं वो वाला दाग, सूखी हल्दी का दाग, तेल का दाग, दूध का दाग और मिर्ची का दाग, ऐसे जो लगता है अपन को कि जो स्टेन छोड़ सकते हैं, जो कलर्स हम यूज़ करते हैं हमारे किचन में खाना बनाते टाइम, तो वो सारी चीज़ें हमने उसमें लगा करके 48 आवर्स के लिए छोड़ दिया था एंड देन फिर उसको क्लीन करके देखा था। सो बहुत अच्छे से वो क्लीन हो गया था। वैसे तो ऐसा कभी होता नहीं है कि हम 48 आवर्स तक किचन एकदम गंदा ही छोड़ दें, जाता है बहुत आराम से स्पंज की हेल्प से ये क्लीन हो जाता है। तो मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है इसमें। स्क्रैचेस की तरीके का आप पत्थर लेंगे जो भी आप लगाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, स्क्रैचेस आना इट्स वेरी नॉर्मल। तो अभी तक मेरा जो मैं यूज कर रही हूँ मेन जो प्लेटफॉर्म है उसमें कोई स्क्रैचेस नहीं आए हैं, जबकि मेरा जो किचन हैज यूज बाय मी एज वेल, माई हस्बैंड एज वेल और साथ ही साथ हमारी जो हेल्पर है, 2 मंथ से मैं कुकिंग में भी हेल्प ले रही थी। अब हम स्टार्ट करते हैं फटाक से टूर से। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ माई किचन। जो प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने स्टोन यूज किया है वही स्टोन हमने यहाँ पर साइड में भी लगवा करके रखा हुआ है। हमारा किचन स्टार्ट होता है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में फ्रिज रखा हुआ है और मेरे राइट हैंड साइड में जो प्लेटफॉर्म है वो मेन स्टार्ट होता है। सो या लेट्स स्टार्ट। ये हमारा एक कॉर्नर है जिसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट करके रखा हुआ है। दिस इज अवर कटलरी होल्डर, ये मैंने मार्केट 99 से परचेज किया था। इसमें सारे स्पून एंड नाइफ एंड फोक ये सारी चीजें रखी हुई है। उसके साइड में मैंने ये एक स्पैचुला होल्डर रखा हुआ है। साइड में आप देखेंगे तो ये ट्रे है जो कि बहुत ज्यादा पुरानी है, उसके ऊपर मैंने ये एक सॉल्ट का बॉटल रखा हुआ है, साथ ही साथ एक जैगरी पाउडर रखा हुआ है एंड दिस इज अ वास जो कि मैंने चुंबक से मंगवाया था, मतलब चुंबक के कोलैबोरेशन में, और यहाँ पर ऑयल का एक बॉटल रखा हुआ है। इज माय गैस जो मैं यूज कर रही हूँ और मैंने ये ऑनलाइन अमेज़न से मंगवाया था। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे हॉब यूज नहीं करना था,
मुझे हॉब पर्पस ही नहीं लगवाना था, मुझे 4 से ज्यादा अच्छा 3 बर्नर वाला कुक टॉप लगता है। सबसे मेन रीजन ये है कि मैं तीनों चीजें यूज कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई चीज रहेगी और अगर मेरे को यहाँ कुकर रखना होगा और पीछे कुछ यूज करना होगा तो मेरा हाथ जल जाएगा या वो प्रैक्टिकल नहीं, मतलब ऐसे मल्टीपल मेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं। सो 3 बर्नर वाला मुझे एकदम परफेक्ट लगता है गैस। सो दिस इज दी गैस जो मैंने परचेस करी है, 3 मंथ से मैं इसको यूज कर रही हूँ। एक तो बहुत सुंदर लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एकदम हमारी जैसे पुरानी स्टील की गैस होती थी ना वैसा नहीं है, इट हैज अ वेरी स्लीक डिजाइन। ये क्रोम फिनिश है और इतने दिन से मैं इसको यूज कर रही हूँ, कोई स्क्रैचेस और कोई दाग नहीं आया है। दिस इज स्क्रैच रेजिस्टेंस और दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है एंड दिस इज वेरी लाइट वेट। ये अभी भी एकदम नई दिखती है, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, अपना फेस देख सकते हो उसके अंदर। एंड अगर आप भी मेरी तरह है, आपको हॉब प्रिफर नहीं करते हैं आप, तो इस तरीके का आप गैस परचेस कर सकते हैं। इवन इफ यू आर लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, आपको गैस परचेस करना है, हाईली रिकमेंडेड। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इनका सर्विस भी काफी ज्यादा स्मूथ है। साइड में आएंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो गैस पाइपलाइन है वो जा रहा है, तो यहाँ पर एक DIY जुगाड़ हम लोग करने वाले थे, लेकिन वही अब वो डिले हो गया, बाद में जब भी करूंगी तो मैं जरूर शेयर करूंगी। तो हमारा चॉपिंग बोर्ड है, ये एक ट्रे है बैम्बू की जो मैंने यहाँ पर रख दी है, अच्छी लगती है दिखने में, सुंदर लगती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ये प्लांटर रख के रखा है, ये पुराना प्लांटर है, ये सिरेमिक का है और इसके अंदर स्टैंड है, तो क्या ना यहाँ पर क्लीनिंग करने में काफी ज्यादा इजी रहता है। तो इसके बाद आते हैं, यहाँ पर आता है हमारा सिंक। सिंक भी आजकल मॉडर्न किचन में, मतलब ऐसे आप जब स्टाइलिश किचन बनवाते हैं तो उसमें जो सिंक यूज होता है वो सिर्फ स्क्वायर शेप का यूज होता है। मैं थोड़े फेवर में थी स्क्वायर शेप का जो सिंक है वो यूज करने में, बट जब विक्की ने उसकी डिजाइन देखी तो विक्की बोला दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, सिंक तो ऐसा स्लोप होना चाहिए, स्क्वायर शेप का क्यों यूज कर रहे हैं, साइड में पानी घुसेगा, ये वो फलाना ढिमकाना ऐसे ऐसे करके। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है यही लगे रहने देते हैं। तो आपका चॉइस है, आपको लगवाना है आप लगवा सकते हो, बाकी हम लोगों ने ये सिंपल वाला जो बिल्डर ने हमको प्रोवाइड किया है इसी को हम यूज कर रहे हैं, मेंटेन करने में ये बहुत ज्यादा सिंपल है। ये जो टैप है दिस इज फ्रॉम TMC, मतलब थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला जो पानी आता है वो आता है इससे, जिसको पीने का पानी हम यूज करते हैं। और ये वाला जो हमारा टैप है दिस इज अ बोरिंग वाटर, तो इसको हमने ये मैंने अमेजन से परचेस किया है एंड दिस इज अमेजिंग। मैं इसको ऑन करके आपको बताती हूँ, तो आप इसकी सेटिंग इस तरीके से चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। आते हैं दूसरे साइड के प्लेटफॉर्म पे हमने क्या क्या रखा हुआ है, उसके बाद फिर इन कैबिनेट्स का भी मैं टूर दे दूंगी कि क्या कैसा है। समर्स में हमने यहाँ पर मटका रख के रखा था जो कि अभी हमने इसको यहाँ पर अंदर रख दिया है। ये काफी प्रिटी सा कॉर्नर है जो मैंने क्रिएट किया है। ये नॉर्मल से ऐसे प्लेटर ट्रे है वो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। फिर उसके बाद ये जो प्लेट्स है ये मैं होम सेंटर से लेकर के आई थी, जिसपे लिखा है गुड फूड इज गुड मूड और यहाँ पर लिखा हुआ है चाय और पकौड़ा, तो जैसा आपका मूड हो वो चीज आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इट्स फ्रॉम वेस्ट साइड और इसके ऊपर मैंने ये चुंबक के जो ये है स्टोरेज कंटेनर्स है वो रख रखे हैं और इसके अंदर हमारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। यहाँ पर एक ये ऑयल रीड डिफ्यूजर है जो कि बड़ा प्यारा सा लग रहा है पिंक कलर का, और यहाँ पर एक वास रखा हुआ है जिसमें हमने जस्ट नॉर्मल एक फेक प्लांट लगा के रखा है। फिर ये एक पानी का जग है, बैम्बू फाइबर, बहुत अमेजिंग मटेरियल है, दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, सिरेमिक के जार्स हैं और उनके अंदर हमारे ये मनी प्लांट लगा हुआ है, दैट्स इट। उसके बाद आते हैं हमारे स्लो जूसर के ऊपर, तो दिस इज अवर स्लो जूसर फ्रॉम अगारो, ये यहाँ पे रख के रखा है क्योंकि ये हम लोग ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज या डेली में यूज करती हूँ, तो जो डेली में यूज करने वाली चीज है वही ऊपर रखी है, बाकी सब अंदर रख दिया है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। एक ये बैम्बू ट्रे रखी हुई है, ये बैम्बू का ही ट्रे है, स्पैचुला होल्डर है जो कि यहाँ पर रख के रखा हुआ है, दैट्स इट। अनियन पोटैटो है, उसके लिए ये एक शेल्फ है जो काफी पुरानी है, मैंने अलग से कोई सेक्शन नहीं बनवाया है। ब्लेंडर है जो कि हमारा अगारो का ब्लेंडर है, न्यूट्री ब्लेंडर है, ये हम यूज करते हैं ऑलमोस्ट डेली के, ये डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा यूज होता है। तो हम लोगों ने काफी सारे स्विच बोर्ड्स यूज करे हुए हैं, यहाँ पर स्विच बोर्ड है, वहां कॉर्नर में स्विच बोर्ड है, कॉर्नर में स्विच बोर्ड है और उधर स्विच बोर्ड है, मतलब बहुत सारी जगह हम लोगों ने स्विच बोर्ड यूज करा हुआ है, ताकि बहुत किचन में होता ही है यार, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज आप अपग्रेड करते हो तो आपके पास जगह होना चाहिए वहां पर वो रखने की और यूज करने के लिए। ठीक है, ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने माइक्रोवेव का एक डक्ट बनवा करके रखा हुआ है। आई थिंक ये साइज में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक और शेल्फ आ सकती थी, मतलब दो शेल्फ आ सकती थी, ये काफी स्पेस हो गया है यहाँ पर। तो ये जो हमने डक्ट बनवाया है इसका प्लग आप देख रहे हैं वहां पीछे है, और इसका जो स्विच है ना वो हमने यहाँ पर दे रखा है, मतलब इधर से दे रखा है। उसके ऊपर की जो शेल्फ है वहां पर मैंने ऐसे कुछ ग्लास का मटेरियल रखा हुआ है, ग्लासेस रखे हुए हैं और जो आइसक्रीम बोल्स होते हैं मैंने वो वहां पर रखा हुआ है। बाद आते हैं ये साइड वाले शेल्फ में, तो उसके साइड में जो ओपन वाला है ना, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने बस ऐसे सिंपल सा एक तो नमकीन और कुकीज का
वो रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है। देन ये हमारी क्रॉकरी है, जिसके ऊपर जो भी आप देख रहे हैं ये भी अगेन क्रॉकरी है, सूप बोल्स है, ऐसे नॉर्मल सी क्रॉकरी है जिसको भी मुझे ढंग से थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है। अभी जस्ट ये ऐसी रख दिए गए हैं और अब मैं इसके अंदर आपको बताती हूँ कि क्या क्या है। ऊपर जितनी भी चीजें हैं ना वो सब बहुत स्टोरेज भरा हुआ है जिसको मैं नहीं दिखाने वाली हूँ, वो हमने एज अ स्टोरेज की तरह यूज किया है। यहाँ पर भी ऊपर हमने बनवाया है, ये भी हमने प्रॉपर एकदम स्टोरेज की तरह इसको यूज किया हुआ है। तो इसको जब मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगी वगैरह जो है वो यहाँ पर रख दिया है मैंने, और इस तरीके जो के जो जार्स हैं वो सब यहाँ पर आ गए जो हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर आ गया है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाउल्स रख दिए हैं मैंने। देन उसके बाद यहाँ पर ये इस तरीके के कंटेनर्स रखे हुए हैं जो कि ईटेबल्स आइटम के लिए हैं। ये वाले जो कंटेनर्स हैं इनको मैं डे टू डे लाइफ में दाल सब्जी वगैरह स्टोर करने के लिए यूज करती हूँ, और जग है, उसके बाद ऊपर भी कंटेनर है, और यहाँ पर जस्ट नॉर्मली कुछ भी ईटेबल स्नैक्स वगैरह स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर ये रख के रखा है। इनटू दिस साइड दाल पल्सेस और ये सारी चीजें जो है पोहे वोहे ये सब हमने यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है। कुछ जो जार्स हैं वो आइकिया के हैं, जो जार हैं ये लॉक एंड लॉक के हैं एंड दे आर फ्रॉम वन स्टॉप सेंटर, सब में ये लेबल्स लगा करके रखा हुआ है। दिस इज आवर चिमनी, ये डकलेस चिमनी है एंड दिस इज अ 3-in-1 चिमनी। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाते हैं, आपके नॉन वेज नहीं बनता है, तो दिस इज परफेक्ट फॉर यू। काफी अफोर्डेबल रेंज में है। एक तो ये सक करता है, उसके बाद ये जो किचन का पोल्यूशन है उसको भी सक करता है, एंड साथ ही साथ ये यहाँ से आपको कूलिंग फैन देता है। मतलब आप जब कुकिंग कर रहे होते हैं तो आपके फेस पे मस्त हवा आ रही होती है। ये हमने 60 सेंटीमीटर वाली ली है, ज्यादा बड़ी नहीं ली है। दिस इज परफेक्ट फॉर 3-4 बर्नर गैस के लिए, ये एकदम सही रहती है। ऊपर का ये जो डक्ट है दिस इज जस्ट चिमनी कवर करने के लिए बनवाया हुआ है, और वहां पर उसका प्लग है। एंड दिस सेक्शन यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही मिसलेनियस तरीके से बस रखा हुआ है। जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं ये मंगवाने स्टार्ट कर दिए थे तो ये भी अधूरा ही छूट गया है, तो आप देख लीजिए मतलब इस तरीके से मैं इसको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ इसको भी। और उसके बाद जो लास्ट वाला है, यहाँ पर हमारा वाटर फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ नीचे हमने कुछ भी नहीं लगवाया है। जब भी हमको पानी भरना होता है तो ऑब्वियसली इसको हम ओपन करते हैं, यहाँ से पानी भरते हैं। नाउ कमिंग टू जो इसके नीचे जो सेक्शंस दिए हुए हैं ना वहां पर, तो इसको जब आप ओपन करेंगे यहाँ पर सिर्फ एक मिडिल पार्टीशन दी हुई है, और इसमें जो ऐसे बड़े बड़े डब्बे होते हैं ना, जैसे कि ये हमारा आटे का डब्बा और जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं वो सब हमने यहाँ पर रख रखी है। हैवी हैवी जो चीजें होती हैं वो हमने यहाँ पर रखी हुई है। उसके बाद आप ये देखेंगे तो ये हमारा कटलरी सेक्शन है, नॉर्मल से ऐसी चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद ये हमारा सेकंड वाला टैंडम ड्रॉर्स है, तो ग्लासेस कटोरियां और छोटी मोटी चीजें यहाँ पर ऑर्गेनाइज करी हुई हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाले सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों की सारी प्लेट्स और जो पैन्स होते हैं वो हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। इस वाले सेक्शन में तो जितने भी मसाले हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, छोटी छोटी जो बॉटल्स हैं वो मैंने सब यहाँ पर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, तो यहाँ पर ऐसे रैंडम साइजेस की बॉटल्स वगैरह रखी हुई है मसाले की, और सबसे नीचे कप्स एंड ये सारी चीजें रखी हुई है। उसके बाद आते हैं इस वाले टैंडम ड्रॉर में, तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी जो भी लिड्स है, ग्लास की लिड्स मेरे पास काफी सारी है, तो ये सब लिड्स है वो रखी हुई है। फिर यहाँ पर ऐसे नॉर्मल जो तपेलियां होती है वो रखे हुए हैं, छोटे छोटे पैन्स वगैरह रखे हुए हैं, फिर ये रोटी बनाने का चकला रखा हुआ है। आप मोस्टली जो भी सामान देखोगे वो सब आपको स्टील का ही दिखेगा। और उसके बाद हम नीचे वाले ड्रॉअर में आते हैं, तो यहाँ पर जो बड़े हैवी पैन्स हैं वो कुकर वगैरह सब चीजें आ गई हैं। स्टैंड के मेरे पास 2-3 बर्तन है वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। So that's it. तो इतने पूरे टैंडम ड्रॉर्स में हमारे पूरे बर्तन आ गए हैं। मैंने पर्पसली टैंडम ड्रॉर्स जो है वो ज्यादा नहीं बनवाए हैं, सिर्फ बर्तन को रखने के लिए, जितने भी यूटेंसिल्स हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं उनको रखने के लिए बनवाया था। एंड आई थिंक दीज आर द इनफ यूटेंसिल्स आई हैव, मतलब बहुत सारे यूटेंसिल्स ऑलरेडी है मेरे पास और मुझे ऐसा लगता है कि ये इनफ है मेरे लिए। अब आते हैं इन सेक्शंस में, तो यहाँ पर हमारा जो डे टू डे लाइफ का सामान होता है, जैसे इस तरीके के ड्रॉर्स में, मतलब ऐसे हमने जो मेरे पास कंटेनर्स थे उनमें हमने यहाँ पर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी लोगों ने अगेन यहाँ पर ऐसे पार्टीशन यूज किया हुआ है, और नीचे देखिए जो बड़े बड़े प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं जो पुराने हैं मेरे पास, उनमें जो भी स्नैक्स वगैरह है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है। तो किचन के साइड में यहाँ पर हमारा आता है यूटिलिटी एरिया, ये भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है। ओपन करते हैं तो एक विंडो जैसा एरिया आता है, देखेंगे कि ये जो एरिया है
ये देखिए हमने इसको पूरा कवर करवा करके यहाँ पर एक मेश का विंडो वाला वो लगवा दिया है. दिस इज़ अ मेश, यहाँ पर ये मेश है तो इसको हमने लगवा दिया है. दिस इज़ अ स्लाइडिंग विंडो हो गया है ताकि हवा भी आए और साथ में जो भी फ्लाइज वगैरह हैं वो अंदर ना आए. यहाँ पर ऊपर हम लोगों ने कपड़े डालने के लिए ये इस तरीके का हैंगिंग जो रॉड होता है वो लगा दिया है. अब आते हैं इस तरफ. तो यहाँ पर हम लोगों की वॉशिंग मशीन रखी हुई है. यहाँ पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक प्रोविजन दिया हुआ था बिल्डर की तरफ से ही, इनलेट एंड आउटलेट दिया हुआ है. मतलब ये पूरा प्रॉपर वॉशिंग एरिया ही है तो वो यहाँ पर दिया हुआ था. साइड में यहाँ पर हमारी लैडर रखी हुई है, मतलब क्योंकि जब आपको किचन में सबसे ऊपर टॉप पे से कुछ निकालना होता है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ किचन में ही हैंडी सी लग दी है. जो पुराना किचन बना हुआ था ना उसके ये बचे थे तो हमने वो लकड़ी को रीयूज़ करके, सॉरी फॉर द नॉइस, लोगों ने उसी लकड़ी को यूज़ करके यहाँ पर एक ऐसा कंटेनर टाइप का बना दिया है. तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा सोप, उसके बाद बर्तन मांजने के, कपड़े धोने के, वाइप्स, दुनिया जान की जो चीज़ें हैं ना वो हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दी. थोड़ा ऊपर देखेंगे ना तो ये मेरे पास एक वो था जॉयफुल का वो स्लाइडिंग वाले जो नहीं होते हैं स्टोरेज था, वो भी मैंने वहाँ पर रख दिया. तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर हो गई हैं. तो मतलब दिस इज़ लाइक अ प्रॉपर यूटिलिटी वाला जो एरिया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मटेरियल. हम लोगों ने यहाँ पर क्या मटेरियल यूज़ किया हुआ है. तो हम लोगों ने जो यहाँ पर ये आपको ग्लॉसी सा दिख रहा है ये हम लोगों ने एक्रेलिक शीट्स पूरे किचन में यूज़ करी हुई है. पहले हमारा प्लान ये था, मेरा ये प्लान था कि नीचे अपन ग्लॉसी फिनिश वाला जो लैमिनेट होता है वो लगवा लेते हैं, ऊपर हम लोग एक्रेलिक लगा लेते हैं. बट विक्की वॉज इन अ फेवर कि या तो पूरा ग्लॉसी हाई ग्लॉस लैमिनेट के साथ बनाओ या फिर एक्रेलिक के साथ बनाओ. बट जब हमने एक्रेलिक के प्रोज एंड कॉन्स देख लिए थे तो फिर वी वर इन अ फेवर की एक्रेलिक ही बनाते हैं. हाई ग्लॉस लैमिनेट होता है उसको और एक्रेलिक को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. आपको ये जो लाइट है ना ये ऐसे एज अ डिस्पर्स देखिए, उसका डिस्पर्जन देखिए किस तरीके से हो रहा है. चीज आप हाई ग्लॉस लैमिनेट में देखेंगे ना तो इसमें ये जो डिस्पर्जन होता है लाइट का वो थोड़े अलग थोड़ा कम होता है. वाटरप्रूफ प्लाई यहाँ पर यूज करी गई है पूरे किचन में. डोर्स की क्लोजिंग है वो सब हम लोगों ने सॉफ्ट डोर क्लोजिंग रखा हुआ है. लोगों ने जितने भी ऊपर के साइड का पोर्शन है जो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर है वहां पर हम लोगों ने हैंडल्स यूज नहीं करे हैं, कोई भी प्रोफाइल यूज नहीं करी है. दे आर हैंडललेस जिसकी वजह से ये काफी स्लीक, बड़ा बड़ा और काफी सुंदर लगता है. उसके बाद जो नीचे वाला एरिया है वहां पर हम लोगों ने एच प्रोफाइल यूज किया हुआ है. पर एग्जॉस्ट का भी प्रोविजन दिया है क्योंकि एग्जॉस्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी मैंडेटरी इन द किचन. मतलब भले ही चिमनी आपकी कितनी भी पावर और हाई उसकी हो बट एग्जॉस्ट होना मुझे ऐसा लगता है काफी मैंडेटरी होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोफाइल लाइट. तो ये हम लोगों ने प्रोफाइल लाइट लगाई हुई है यहाँ पर. तो ये जो हमने प्रोफाइल लाइट लगाई है ना ये बहुत यहाँ ऐसे कॉर्नर में नहीं लगाई है. अगर आप कॉर्नर में लगाते हो तो इसकी जो रोशनी होती है ना ये प्रॉपरली यहाँ पर अच्छे से डिस्पर्ज नहीं होती है और फिर आपको अलग से कोई लाइट लगानी पड़ती है. क्योंकि क्या होता है ना ऊपर की जो लाइट होती है वो यहाँ इतने अच्छे से नहीं आती है तो आपको यहाँ पर रोशनी की जरूरत होती है. तो ये हम लोगों ने काफी सेंटर में, मतलब एकदम ये इसका सेंटर है, सेंटर से हल्की सी आगे लगा दी है तो ये रोशनी बहुत अच्छी देती है. ये हम लोगों ने फोकस लाइट्स यहाँ पर दी हुई है, एक यहाँ लगी है और एक जो लाइट है वो यहाँ पर लगी हुई है. ये फॉल सीलिंग का पट्टा लगा करके उसमें ऐसी दो लाइट्स लगा दी है. दीज टू लाइट्स आर इनफ, काफी लिट अप कर देता है ये ऑलरेडी किचन को. आप देखोगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है ये एक्रेलिक शीट्स के ऊपर एंड काफी सुंदर लगता है, इसकी वजह से काफी रोशनी रहती है किचन में. तो यस दिस इज माय किचन. आई होप ऐसे तो मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे. कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों का है और मैं नहीं बता पाई हूँ सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, में उसमें आंसर करने की कोशिश करूंगी. यस दैट्स इट. अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.